ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर में आज हम जो हम मेडिसिन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देख लिया था कि बीमारी या डिजीज या रोग इसका वर्गीकरण, तो हमने दो पर डिस्कस कर लिया, रोग आरंभ होने के ढंग पर और रोग की गंभीरता के आधार पर तो कर लिया। अब हमारे पास तीव्रता, प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी, वह बीमारी के प्रसार क्षेत्र के आधार पर। अभी देखते हैं हम उसकी प्रबलता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो इसमें कई तरह के हम देख रहे हैं कि इसमें पहला छुटपुट या छितराया हुआ कहीं कहीं बीमारी आई, कहीं कहीं आई और इक्का दुक्का जानवर में आई, ये हो गया। तो इन ऐसे जो हैं उनको स्पोरेडिक केसेज कहा जाता है, स्पोरेडिक केसेज। स्पोरेडिक केस का मतलब है कहीं कहीं छुटपुट या कोई इक्का दुक्का केस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आता है स्थानिक महामारी यानी एंजुटिक रोग, ये हम डिटेल से आगे देख लेते हैं, सभी के बारे में दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। उसके बाद में ये स्थानीय, फिर एक पशु महामारी जिसको हम एपिजूटिक का नाम दिया, स्पोरेडिक एंजुटिक एपिजूटिक, और विशेष क्षेत्रीय यानी कि एंडेमिक कहते हैं कि एंडेमिक एरिया है उसमें विशेष तौर से ध्यान रखा जाए और विशेष तौर से पशुओं के वैक्सीनेशन किया जाए, उस बीमारी से बचाव के टीके लगाए जाएं, एंडेमिक एरिया। तो इनके चार्ट भी आपको बनाने पड़ेंगे, जब आप हॉस्पिटल में होगे कार्यरत तो कोई ऐसा अगर एरिया है तो आपके यहाँ पे ऑफिस में आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया हमारे स्पोरेडिक केसेज वाले हैं और कौन सा जो है वो एपिजूटिक है, विशेष क्षेत्रीय यानी एंडेमिक है। स्पोरेडिक हैं, एंजुटिक हैं, एपिजूटिक हैं या एंडेमिक है। और इसके बाद में आता है वृहद क्षेत्रीय बहुत बड़े प्रसार में पेंजुटिक, जो कल भी मैंने आपको बताया था, परसों जो मेरे लेक्चर में, कि भई ये अभी जो चल रहा है कोरोना ये पेंजुटिक है। तो अभी इसको छुटपुट को देखते हैं। पहला स्पोरेडिक, वह रोग जिससे कोई एक दो पशु कहीं कहीं बीमार होते हैं तथा यह बीमारी झुंड या हर्ड में नहीं फैलती, ऐसी बीमारी को स्पोरेडिक रोग कहते हैं। ये एपिडेमिक डिजीज की शुरुआती स्थिति है, एपिडेमिक की शुरुआती स्थिति, वहां से फिर शुरू होते हैं। जैसे ही हमारे पास इंडिकेशन आती है हम उस एरिया को तुरंत कवर कर देते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। यदि पशु के मरने के बाद उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं करें तथा वातावरण सही हो तो स्पोरेडिक डिजीजेज एपिडेमिक में बदलते देर नहीं लगती, ये ध्यान रखा जाए। जल्दी बदल जाती है ये उसमें एपिडेमिक। स्थानिक महामारी यानी कि एंजुटिक डिजीजेज, बस एक स्थान पे लिमिट, वैसे स्थानीय का मतलब स्थान में लिमिट, इसे एंडेमिक भी कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि अगर एक स्पोरेडिक केस हुआ, उसको सही तरीके से उसका बरियल नहीं किया गया, उसको दबाया जलाया सही तरीके से नहीं गया, तो ये जो है स्थानीय, उस स्थान में टोटल में फैल सकती है। तो ये स्थानिक
महामारी बनते हुए देर नहीं लगाती, यही हमने पढ़ा, तो इसे एंडेमिक भी कहते हैं, एंजियोटिक डिजीज या एंडेमिक डिजीज। यह बीमारी विशेष क्षेत्र में सिर्फ कुछ जाति के पशुओं में भी एक प्रकोप की भांति फैलती है, जैसे एंथ्रेक्स है, शीप में ही जनरली होता है एंथ्रेक्स इन शीप। अब है पशु महामारी एपिजूटिक। अभी आपने देखा तो ये एंडेमिक और एंजियोटिक तो एक ही तरह हैं, अभी एपिजूटिक जो है हम इसको एंजियोटिक देखते हैं। एंजियोटिक डिजीज इसे एंडेमिक, ये आपने देखा एंजियोटिक जो है वो ही एंडेमिक। नंबर दो स्पोरेडिक एंजियोटिक बनती है या एपिडेमिक, इसमें ऊपरी लिख लें ताकि कंफ्यूज होगी नहीं आप। अब आता है थर्ड नंबर पे हम एपिजूटिक, यह एंडेमिक बीमारी ही बाद में एपिजूटिक बीमारी हो सकती है, अर्थात वह बीमारी जो एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में फैल जाती है उसे एपिजूटिक डिजीज कहते हैं। तो ये आपको बड़े अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं इसका जो है वो लाजमी जो है आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाता है। तो ये है FMD और RP, RP रिंडरपेस्ट पढ़ेंगे आगे, FMD फूट एंड माउथ डिजीज ये आगे पढ़ेंगे। पशु महामारी, ये इसका नाम पशु महामारी कह देते हैं, तो ये बड़े इलाके में बड़ी संख्या में फैल जाती है। अब आता है पेंजुटिक डिजीज, अभी चल ही रहा है कोरोना, तो ये पेंजुटिक है। देशों में जब बीमारी एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है तो ऐसी बीमारी को पेंजुटिक डिजीज कहते हैं, उदाहरण अफ्रीकन और सिकनेस, इन्फ्लुएंजा, इसमें आगे आप कोरोना भी लिख दो तो लिख दो, लेकिन ये हम एनिमल से संबंधित पढ़ रहे हैं तो इनमें कहीं पर बताया तो गया था पीछे कि कुछ डॉग्स में ये जो है वो पाया गया कोरोना। तो ये पेंजुटिक का हमें समझना है कि पेंजुटिक कहते के तो हैं, बस ओनली हमारा मकसद इतना ही है कि पेंजुटिक डिजीज कौन सी हैं, लेकिन ये भी उसमें पाई गई बता रहे हैं, पीछे अखबारों में देखा। अब उसके बाद में आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, कमी विशेष पर आधारित जो है वो बीमारियां। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस में, विशेष डेफिशिएंसी में जो है ए विटामिनोसिस, विटामिन ए की कमी, न्यूट्रिशनल डिजीज, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी, मिल्क फीवर इत्यादि इसके उदाहरण। उत्पत्ति के आधार पर जैसे इंडिजिनस डिजीजेस और एग्जोटिक डिजीजेस, इंडिजिनस जो नेटिव प्लेस देशी बीमारियां, बीमारी का उत्पत्ति क्षेत्र खुद का जन्म स्थान ही यानी नेटिव वन हो, उदाहरण है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, विदेशीगत बीमारियां एग्जोटिक डिजीज, जो बीमारी विदेशों से आई हो, विदेशगत बीमारी कहते हैं, विदेशों से जो बीमारियां आई हैं, इसमें अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस ये मेन है, क्रियाशीलता की आवश्यकता पर आधारित बीमारी अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल नीड,
मेटाबॉलिक डिजीजेस, कीटोसिस हो जाता है जानवरों में। ये हम पढ़ेंगे पूरा, इन बीमारियों के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। उत्पादक संबंधी बीमारी, प्रोडक्शन डिजीज, उसमें मिल्क फीवर, दूध ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा देता है जानवर तो मिल्क फीवर हो जाता है, कैल्शियम की कमी। और मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है तो ये कीटोसिस हो जाता है, इसके बारे में आप डिटेल लाके पढ़ोगे। तो ये एक वर्गीकरण था बीमारियों का, ये एक चैप्टर में एक जो चार्ट के रूप में आपको लिख लेना चाहिए और इसको याद करना चाहिए अलग से। अब है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी रोग होने के कारक, इटियोलॉजी कौन कौन से कारण हैं जिनसे बीमारी होती है, कारक क्या क्या है वो जो बीमारी पैदा करते हैं, और ये इटियोलॉजी है क्या। रोग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के कारकों यानी कारण कारणों का अध्ययन किया जाता है, रोग कारक विज्ञान या इटियोलॉजी कहते हैं। इसके कारक फैक्टर्स निम्न हैं, इसमें से बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे जीवाणुओं में बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं विषाणु, जीवाणु, रिक्सिया, फंफूदी, फंगस और प्रोटोजोआ आदि, ये बायोलॉजिकल जो एजेंट हैं, बायोलॉजिकल कारक हैं जीवाणु। बायोलॉजिकल एजेंट्स में ये सभी आ गए हैं। उसके में न्यूट्रिशनल एजेंट हैं जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लवण, पानी आदि। केमिकल एजेंट हैं, रासायनिक कारक हैं, धूल है, गैस है, धुआं है, फ्यूम्स, अन्य धातुएं, पशु के खाने, श्वसन के दौरान आदि माध्यम में शरीर में प्रवेश कर लेने पर जो बीमारियां इससे भी होती हैं। फिजिकल एजेंट ताप यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड, उसके बाद में ह्यूमिडिटी मौसम में कितनी ह्यूमिडिटी है, इसका कुछ नाम है, क्या कहते हैं, आज अब बड़ा मौसम ऐसा चिपचिपा मौसम कहते हैं ना, चिपचिपा मौसम हो गया ह्यूमिडिटी के कारण होता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादातर ये जहाँ समुद्री एरियाज जो समुद्र के ज़्यादा नज़दीक है वहाँ एरिया ह्यूमिडिटी एरिया ज़्यादा होता है। रेडिएशन, ये जो रेडिएशन जितनी तरह के हैं, चाहे वो अभी जो ये टावर लगे हुए हैं आप देख रहे हो, इनसे भी रेडिएशन आता है, घर में वाईफाई लगा उससे भी रेडिएशन हो रहा है, इनसे भी बीमारियां होती हैं। दाब, प्रेशर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, एयरपोर्ट हवाई जहाज में जाते हैं एरोप्लेन में, तो जहाँ दबाव कम हुआ वहाँ पे अलग तरह की जो है वो बीमारियाँ हमारे यहाँ होती हैं। कानों के पर्दे सुन्न हो जाते हैं, कई बार सफ़र करते हुए ऐसा महसूस हुआ हो अगर कोई गया हो तो, यह सारे के सारे ये प्रेशर कम होना ज़्यादा होना ये बीमारियाँ ये भौतिक कारक हैं, यानी कि मैकेनिकल एजेंट्स और हैं जिनमें हम मैकेनिकल किसी तरह की फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स, गाड़ी कोई आ रही है टक्कर लग गई, ये टोटल मैकेनिकल जितने भी फोर्सेज हैं उनसे जिसके कारण फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है, फ्रैक्चर हड्डियों का टूटना, हड्डी में दरार आना किसी तरह से, डिसलोकेशन हड्डी का सरक जाना, उतर जाना कहते हैं इसको, हेमरेज यानी कि बड़ा जख्म हो जाना, खून का बहना, स्प्रेन, मचरोड़ जिसको अपने बोलते हैं, मचरोड़ आ गई, तो ये इस तरह की ये जो है सारी के सारी मैकेनिकल एजेंट हैं, इनसे ये बीमारियां होती हैं। अब है डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, निदान, रोग का पहचान यानी कि डायग्नोज,
उसको निदान कहते हैं, निदान। यह रोग को पहचान करने की कला है कि पशु में कौन सा रोग है, किस प्रकार का है। सही निदान के लिए पशु चिकित्सक का अनुभव, ज्ञान तथा प्रयोगशाला की सहायता ली जाती है। निदान निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि डायग्नोज कैसे कैसे कर पाएंगे आप। एक है डायरेक्ट डायग्नोज, तो ये तो पशु चिकित्सक का अनुभव है, देखते ही बता देता है कि वो इसको ये है, तो ये डायरेक्ट हो गया। पशु को देखते ही पशु अपने अनुभव के आधार पर रोग पर ही रोग का तुरंत निदान कर देता है, इसे डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के निदान में कई प्रकार की गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। ये बिल्कुल सही है। इवन इतना ही नहीं, कई बार पशु चिकित्सक या चाहे वो ह्यूमन बीइंग में चिकित्सक हो, उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो लैब को भी जुटला देता है। और ये सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। लैब में टेस्ट करवाया गया एक इंसान का, वो जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव बता दिया उन्होंने। ये सच्चाई है, मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है, ना कि केवल सुना हुआ है। जब ट्यूबरकुलोसिस डिक्लेयर कर दिया तो वो टीबी के स्पेशलिस्ट से मिला जाकर के, क्योंकि लैब ने तो बता दिया, दो ही टेस्ट होते हैं, दोनों को दोनों पॉजिटिव। सेंसिटिविटी टेस्ट लगाया, वो भी पॉजिटिव था। तो जो सबकट एपिड्यूरल लगता है, सॉरी एपिड्यूरल सबकट लगता है चमड़ी में, तो उससे भी वो बिल्कुल जितना आकार उस पर रेड आना चाहिए था उतने जगह से भी ज़्यादा जगह वो रेड हो गई। और वो डॉक्टर के पास जब स्पेशलिस्ट के पास गए तो उसने कहा इस पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस का मुझे लक्षण दिखाई नहीं देता। ये गारंटेड है, ये एक्सपीरियंस होता है उसका। और वास्तव में बाद में जब जांचें और करवाई गई तो उस पेशेंट को टीबी नहीं थी। देखिए आप, कहीं कहीं ये भी गलत हो सकता है। तो यहां पशु चिकित्सक का अनुभव ही सबसे ज्यादा जो है कार्य करता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कहीं ऐसा है कि हमने जो है वो लैब से करा लिया और ये बस अब ये कन्फर्म है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। तो इसमें डायरेक्ट डायग्नोसिस इसमें भी गलती हो सकती है, कोई जाते हुए सिंपल बता देता है कि आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है, उसको जांचों के जरूरी है करवानी है। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है जांचों का, क्योंकि हमारी लैबें जो है अभी तक लैब्स जो है हमारी इतनी सुविकसित नहीं हुई है जितने कि ह्यूमन बीइंग में अभी आ गई हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके बाद में आता है टेंटेटिव डायग्नोसिस, अस्थाई निदान, टेंटेटिव डायग्नोस। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, पशु के रोगों के लक्षण के आधार पर ही रोग का निदान करने की कला को टेंटेटिव डायग्नोसिस कहते हैं। यह अस्थाई निदान है जो कि अन्य जांचों के बाद भी बदला जा सकता है। ये सच्चाई है, एक बार आपने डायग्नोज कर दिया, उसको एक ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ कि नहीं आगे इसका हम जांच करवाएंगे तभी हम कन्फर्म कर पाएंगे, ये टेंटेटिव डायग्नोज है। जैसे PUO लिख देते हैं हम, पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये जनरली लिखा जाता है जब डॉक्टर को ये बात कन्फर्म नहीं होती कि जो मैंने डायग्नोज किया वो हो सकता है कहीं गलत हो, तो एक बार उसको उस पेशेंट को एक मेडिसिन जो है वो हल्की जो है वो दे दी जाती है, लेकिन उसको कहा जाता है कि इसका ये जांच करवाओ,
फीवर है जैसे, और फीवर के बहुत कारण है। अब आगे पढ़ोगे आप मेडिसिन में कितनी तरह के हैं फीवर के, कितने कारण हैं, बुखार आना है तो कितनी तरह से आता है, बहुत है। एब्डोमिनल पेन है, अभी एक बहुत तरह से एब्डोमिनल ट्रू है या फॉल्स है, ये आगे पढ़ोगे कि भाई कौन सा है। उसके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदक या अंतरी, यह कला है जिसके अंतर्गत पशुओं में होने वाले रोगों के समान लक्षणों को देखते हुए अनुभव, प्रयोगशाला की अन्य जांचों के आधार पर अन्य बीमारियों की तुलनात्मक अध्ययन कर रोग के कारण तक पहुंचा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पेशेंट मैं जानता हूं उसको, वो गया उसको टीबी बता दी, लेकिन बाद में तो बाद में कुछ ये जब सारी चीज़ों को करवाया गया जांच तो बीमारी कुछ और निकली। इसमें पशु की उम्र, नस्ल, हिस्ट्री आदि को भी अन्य जांचों के साथ देखकर रोग निदान किया जाता है। एरिया को भी देखा जाता है, पशु की नस्ल, हिस्ट्री, उम्र और एरिया, कुछ बीमारियां एरिया से ही रिलेटेड हैं। एरिया आगे अपने पढ़ेंगे इसको, ये डिटेल में बताएंगे आपको, डिटेल में पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एरिया से ही रिलेटेड हैं। कुछ एरियाज हैं वहाँ वो बीमारियां होती नहीं, कुछ एरिया हैं वहाँ वो प्रबल हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस यानी कि डायग्नोज आपने कर लिया तो मालिक आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब इसकी क्या संभावना है, ठीक होने की है, नहीं होने की है, क्या है ये हमें जो है वो बताओ, क्योंकि जानवरों में तो विशेष तौर से होता है, ह्यूमन बीइंग ये अलग थ्योरी है, अलग बात है, क्योंकि जो पशु का मालिक है कुछ पशुओं को छोड़ के, कुछ पशुओं को छोड़ के वो एक लिमिट तक उस पर खर्चा कर सकता है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसानों के अंदर तो जब तक सांस है तब तक हम प्रयास करते हैं, चाहे हमारा कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए। तो इसमें इसलिए वो जरूरी है कि पूछता है कि मुझे बताओ कि इसका, हालांकि उसमें भी पूछा जाता है, वहाँ भी पूछते हैं लोग जो उस हद तक नहीं जा सकते वो पूछते हैं मजबूरी में। तो यहाँ ये पशु रोग से ठीक होने के संबंध में भविष्यवाणी की करने की कला है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस डायग्नोस आपने कर लिया, निदान, अब आप प्रोग्नोसिस भी तो बताओगे, कितना लंबा चलेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, संभावना है या नहीं, ये प्रोग्नोसिस। यह घोषणा निम्न प्रकार की होती है, अगर फेवरेबल है, अनुकूल है, तो ये हो सकता है कि पशु ठीक हो जाएगा, दैट इज वी कॉल टू दैट फेवरेबल जो है वो प्रोग्नोसिस, फेवरेबल है। उदाहरण है निमोनिया, अभी इसने बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया, बहुत से ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, एक अकेला निमोनिया नहीं है, बहुत कुछ है जो ठीक होता है, ऐसा को आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट से। उसके बाद में है डाउटफुल, डाउटफुल डाउट है इसमें, संदेहात्मक, संदेहप्रद, पशु ठीक होने की संभावना आशा होती है, संभावना है। उसके बाद में थर्ड वन आता है पुअर, खराब, पशु के रोग से ठीक होने की संभावना कम है, जिसमें ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, ये अपने पढ़ेंगे पूरा इस बीमारी के बारे में क्या है, ये ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, इसको पूरी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस और ये पेरिटोनाइटिस, अभी आपको बताएंगे क्या है, अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में गंभीर विक्ट यानी कि ग्रेव, ग्रेव प्रोग्नोसिस इज ग्रेव या गार्डेड, प्रोग्नोसिस इज ग्रेव या गार्डेड, यानी कि पशु के ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेव और गार्डेड,
या विकट और गंभीर। उदाहरण है ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, अभी आप मैंने पढ़ा देखा था ना ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, तो ये ट्रॉमेटिक चोट का मतलब है किसी से, और पेरिकार्डाइटिस का मतलब पेरिकार्डियम के अंदर किसी प्रकार के हार्ट में, हार्ट में चुभ जाना सुई, इस तरह आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। तो इसकी संभावना बहुत कम होती है, वो निडल बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार वो निडल जो है बाहर भी आ जाती है, ऐसा भी हमने देखा है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है इस पे डिपेंड करती है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे पूरी इसके बारे में डिटेल। सुई मुंह में चली जाती है जानवर के, और फिर वो उसका डायरेक्शन किधर है इस पे डिपेंड करती है। तो ये हमने देखा प्रोग्नोसिस के बारे में, आज हमने इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, और अब आता है हमारे पास, चलिए नहीं तो नेक्स्ट उसमें हम इसको सिम्टम है, इसको हम चलो थोड़ा सिम्टम के बारे में और जान लेते हैं। सिम्टम लक्षण, बीमारी के लक्षण नजर आते हैं जिनसे हम बीमारी की पहचान करते हैं, वो लक्षण। बीमारी के कारण पशु के शरीर में चाल डाल में, उसके व्यवहार में, उठने बैठने में, श्वास क्रिया, सांस लेने में, उसकी आवाज़ में, श्वास की में, पेशाब व गोबर करने की प्रक्रिया में बदलाव आने को ही लक्षण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम, विशेष लक्षण सब्जेक्टिव, एक होते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सिम्टम या लक्षणीय लक्षण। तो अब ये सब्जेक्टिव कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। सब्जेक्टिव के अंदर, सब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें रोगी अपनी तकलीफ के बारे में स्वयं बख्यान वर्णन करता है, इसका औचित्य अथवा महत्व मानव चिकित्सों में ज्यादा है, लेकिन पशु चिकित्सा में नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर क्या नहीं है, क्योंकि जानवर तो बोल के बता नहीं सकते, क्योंकि पशु अपनी तकलीफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हालांकि पशु कुछ विशेष लक्षण प्रदर्शित जरूर करता है, जैसे घोड़े में पेट दर्द होना होता है तो वह फ्लैंक की तरफ, फ्लैंक रीजन होता है ना, यूं गर्दन घुमा के पीछे की तरफ देखेगा घोड़ा अपने फ्लैंक रीजन की तरफ, इससे पशु रोग का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम, इनमें पशु चिकित्सा द्वारा लक्षणों को कई विधियों द्वारा देखा जाता है, जैसे पशु का जुगाली कम करना या बीमारी का एक पूर्व सूचक प्री मोनिटरी लक्षण है, विशेष बीमारी के विशेष लक्षण किसी रोग में विशेष लक्षणों का दिखाई देना, जैसे मिल्क फीवर, आगे पढ़ोगे आप मिल्क फीवर क्या, कैल्शियम की कमी से पशु किस उस पोजिशन में बैठता है आगे पढ़ोगे, में पशु का विशेष आकृति में बैठना, पशु तापक्रम लेना, ताप अगर आप टेम्परेचर लेते हो उसे पता, पाल्पेशन चेक करके देखते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन हमारे पास जो है वो स्टेथोस्कोप है, तो हम उसे उसके जो है हार्ट रेट को या जो है उसके श्वास के उसके उसको भी पालपेट कर सकते हैं और ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, ऑस्कल्टेशन जो है वो हम लंग्स का कर सकते हैं। बेबेसियोसिस, आगे पढ़ोगे ये रोग, आपके अभी नाम नहीं याद है, बेबेसियोसिस रोग में पेशाब में खून का आना, तो पेशाब में खून का आना बेबेसियोसिस बीमारी में आता है, तो ये अगर पेशाब आ रहा है तो पता हो जाता है कि भी बेबेसियोसिस है, लेकिन इसमें एक बात और नहीं इसने इन्होंने जोड़ी, बेबेसियोसिस में बुखार के साथ जो है वो पेशाब में खून आता है, तो ये आप और लिख लो, बुखार भी होगा उस जानवर को, अदरवाइज कहीं रेड वाटर जो होता है उसको ही ना हम बेबेसियोसिस समझ पाए, वो अलग बीमारी है, वो फास्फोरस और कॉपर की कमी के कारण होती है, तो ये आप इसमें ऐड कर लें विद टेम्परेचर, ये
तो ये लक्षण सिम्टम। नेक्स्ट जो है हम थेरापटिक यानी उपचारात्मक के बारे में नेक्स्ट हमारे जो है वो लेक्चर में हम इसको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। थैंक यू भाई।